नमस्कार बुलेटिन को स्वागत करुछि प्रीति स्मृति। बढ़ला युक्त दुई प्रथम पर्याय नामलेखा अवधि सेप्टेम्बर 30 तारीख पर्यंत प्रथम पर्याय युक्त दुई नामलेखा अवधि को वृद्धि करा जायछि। एने उच्च माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय पक्षरु सानी विज्ञप्ति जारी होछि। पूर्वरु 26 तारीख जाय थिला प्रथम पर्याय नामलेखा अवधि। सेप्टेम्बर 21 रु आरंभ होइछि युक्त दुई प्रथम पर्याय नामलेखा। प्रथम पर्याय रे 347,626 छात्र छात्री मनोनीत होइछन्ते। कला रे 223,575, वाणिज्य रे 25,062, विज्ञान रे 84,798, संस्कृत रे 8,438 ओ धंदामूलक रे 5,762 जण नामलेखा पाई मनोनीत होइछन्ते। अक्टोबर 3 तारीख रे प्रकाश पाइबो कट ऑफ मार्क। अक्टोबर 3 रु 5 पर्यंत हेबो नामलेखा। ये जो कोरोना महामारी को दृष्टि रखी एवं एडमिशन सेंटर रे भीड़ कमे लक्ष्य नहीं सरकार एडमिशन प्रक्रिया को 30/9/2020 पर्यंत एक्सटेंड करिछंती। भीड़ को नियंत्रण करिया पई समस्त प्रिंसिपल एडमिशन इनचार्ज एवं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर उनको निर्देश दियाई एवं सेमाने वेरिफिकेशन स्टार्ट करिछंती एवं कड़ाकड़ी भाव में कोविड गाइडलाइन को पालन करिया पई समस्त विहित पदक्षेप नवा पई समस्त को कह जाइछि। कोरोना काल रे पिलांक पाठपढ़ा पई आसीछि नुवा गाइडलाइन। नवंबर 1 रु आरंभ हेबो अंडर ग्रेजुएट ओ पोस्ट ग्रेजुएट क्लास। यूजी पीजी पाठपढ़ा नै ट्वीट करी सूचना देछंती केंद्र शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। अक्टोबर 31 सुधा शेष हेबो नामलेखा प्रक्रिया। नवंबर 1 रु आरंभ हेबो प्रथम सेमिस्टर पाठपढ़ा। सेहिपरि 1 मार्च 2021 रु 7 मार्च 2021 मध्यरे रहिबो ब्रेक। 8 मार्च 2021 रु 26 मार्च मध्यरे परीक्षा हेबो एवं 27 मार्च रु 4 एप्रिल 2021 मध्यरे सेमिस्टर ब्रेक रहिबो। सेप्टेम्बर 9 अगस्त 2021 रु 21 अगस्त मध्यरे द्वितीय सेमिस्टर हेबो। 22 अगस्त रु 29 अगस्त 2021 मध्यरे सेमिस्टर ब्रेक रहिबो एवं 30 अगस्त 2021 रे परवर्ती शिक्षा वर्ष पई आरंभ हेबो पाठपढ़ा। कोरोना कटकणा भितरे आरंभ हेबो विधानसभार मौसुमी अधिवेशन। संपूर्ण संसदीय ढांचारे बसिबो विधानसभार मौसुमी अधिवेशन। विधानसभार मौसुमी अधिवेशन रे रहिबनि प्रश्नकाळ। बसिबा बेले विधायक माने 4 फुट दूरता बजाय रखिबे। दर्शक ग्यालेरी रे मध्य बसिबे विधायक। सेथिपाई 145 सीट प्रस्तुत अछि। संसद भळी विधायकक सीट सम्मुखरे लागिछि काच। जो वरिष्ठ विधायक आसी पारिबेनि सेमाने आगुरु सूचना देबे। जिला मुख्यालय किंबा निज घरे किंबा ओकाक्रे भिसी रे बसी पारिबे। सबु गणमाध्यमर गोटिए टीम को विधानसभा भितर को प्रवेश पई अनुमति मिलिबो। एने सूचना देछंती बाचस्पति सूर्य नारायण पात्र। सभा तो 29 तारीख रु बस। 25 तारीख दिन विरोधी दल सीनियर लोकंर बैठक डक विधानसभा कौन कौन हम कमी सुरखर चलो ताकि 25 तारीख दिन आलोचना हम आईन अनुसार जहा जा हवा को सब जगह हम किए मना कर जीरो आवर हम एडजमेंट हम कलिंग आटेनसन हम बिल्स आसब सब हम क्वेश्चन आवर ओनली आंसर क्वेश्चन हम स्टार क्वेश्चन हम पार्लियामेंट जहाँ फॉलो करती लोकसभा राज्यसभा आम ताको फॉलो करचु। टाइम टू टाइम तर गाइडलाइन नौ से सोशल डिस्टेंस बसवाई जो सिस्टम कराई आम विधानसभा भितर प्राय 145 जन विधायक बसवाई विधायिका विधायक मंत्री बसवाई अरेंजमेंट कराई ता बाद जदि कौन सी विधायक सीनियर विधायक जो चाहिए ये भुवनेश्वर आसीपर कि मोर कौन असुविधा अच्छे सी जदि आमको आगु इंटीमेट कर जिला जिलापालंकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल रे बसव कि घरे जदि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम अच्छी से बसपर। ड्रग्स लिंक मामलें श्रद्धा कपूर रकुलप्रीत सिंह एवं सारा अली खान को परे एबे अभिनेत्री दीपिका पादुकन को ना जोड़ी हो जाए। जया साहा कंपनी मैनेजर करिश्मा दीपिका पादुकन को ड्रग्स चार्ट सामना को आसी।
सुशांत सिंह राजपूत मृत्यु मामलें ड्रग्स मामलार तदंत करुवा एनसीबी पक्ष सूचना दीजाई। एनसीबी हाथ में दीपिका और करिश्मा मध्य होता ह्वाट्सअप चैट लगी जो दीपिका पादुकोण और करिश्मा ड्रग्स विषय में कथ हो दीपिका एथेर करिश्मा को पचारुंट तुम पाखे माल अच्छी कि यार उत्तर में करिश्मा कहते हाँ किंतु घरे यहां करिश्मा अमित नामक युवकों नाम नहीं कहते मु अमित को पठाई पारि यह दीपिका कहते हाँ दयाक पठाओ कि समय पर करिश्मा कहते अमित देवाई गला यह दीपिका पचारुंट हास अच्छी कि किंतु करिश्मा कहते हास नुहे गंजे अच्छी ड्रग्स लिंक में दीपिका ना सामना को आसीबा परे दीपिका पादुकोण को मैनेजर करिश्मा को सम्मान करिछि एनसीबी। राज्यसभा 8 निलंबित सांसद धारणा प्रत्याहृत हो गत संसद परिसर में गांधी मूर्ति निकट में धारण में बसी 8 निलंबित सांसद आज सका राज्यसभा उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण धारण में बसी सांसद चा नहीं धारण उठी जा अनुरोध करते मात्र धारणारत सांसद मैंने चा पीवा मना करते धारण उठी जाते अन्यपटे सांसदों व्यवहार में दुखित राज्यसभा उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण गोटे दिन उपवास रखा निष्पत्ति सेपटे निलंबित सांसदों समर्थन करिछि कांग्रेस निलंबन आदेश उठाइबा दाबी कांग्रेस सांसद माने गृह कार्य बर्जन करिथिले निलंबन आदेश न उठिले गृहर बाकी कार्य दिवस गुड़ी को बर्जन करने को कांग्रेस चेतावनी देछि। एनसीपी नेता शरद पवार मध्य निलंबित सांसदों समर्थन करिछन्ति। राज्यसभा उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण को महानता को प्रशंसा करिछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। रविवार निलंबित सांसद माने जेभली आचरण कले ताहा संसदर गरिमा को हानि पहुंचाई एते सब घटना परे मध्य राज्यसभा उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण धारणारत सांसदों पर सका चा नहीं जाते जहां महानता को दर्शाऊ प्रधानमंत्री ट्वीट करिछंती। सेहिपरि राज्यसभा अध्यक्ष वेंकैया नायडू मध्य उपाध्यक्ष को प्रशंसा करिछन्ति। बगैर बहुमत के इस काले कानून को गैर संवैधानिक तरीके से जबरन पास कराया गया मुद्दा वो है, मुद्दा किसान है, मुद्दा हमारा सस्पेंशन नहीं है, हम जिंदगी भर निलंबित रहने के लिए तैयार हैं। मुद्दा है देश के करोड़ों किसानों को क्यों ये काला कानून जबरन पास करके आज उनका पेट और पीठ और उनका रोजगार छीनने का काम किया। और जब किसान सड़कों पर पड़ा हुआ है, खेतीहर समाज पर संकट है, क्या इतनी एक व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी कि संजीदगी से बात हो। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि लोकतंत्र सिर्फ संसद के कमरों में आकर के बैठ करके नहीं होता है, लोकतंत्र के लिए लोकतांत्रिक रवायतों का होना जरूरी है। तो बिल पास करा दें, एक नाम लें और सब कहें कि बिल पास हो गया, ऐसे थोड़ी चलेगा। इसका नियम कानून लिखे हैं, हमारा संविधान प्रजातंत्र की रक्षा करता है और उसी के ऊपर हमला बोलेंगे तो बोलेंगे भी नहीं, जरूर बोलेंगे। और विपक्ष एक है, विपक्ष के पूरे विपक्ष के ऊपर हमला बोला है इन्होंने और इसीलिए बाकी के सदन को बायकॉट किया है। बायकॉट हमने तीन चीजों के लिए किया। बायकॉट क्या है कि जब तक इसमें जो बिल में प्रावधान है कि किसान कहीं भी अपनी जो फसल है बेच सकता है देश में प्राइवेट मार्केट, तो इसमें एक नया बिल बनाना चाहिए जिसमें ये प्रावधान होना चाहिए कि जो भी प्राइवेट प्लेयर खरीदेगा वो एमएसपी से नीचे नहीं खरीदेगा। ये अनिवार्य बनाना होगा प्राइवेट परचेजर के लिए भी कि उसको खरीदना होगा एमएसपी के रेट पर। दूसरा हमने बताया कि स्वामीनाथन कमेटी के आधार पर जो रिकमेंडेशन है उसके आधार पर एमएसपी फिक्स करना चाहिए। तीसरा हमने कहा कि अगर सरकारी कोई भी एजेंसी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एजेंसी है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वो जब किसानों से खरीदेगी अनाज तो वो भी एमएसपी से नीचे नहीं खरीदनी चाहिए। जब तक ये तीन चीज़ें सरकार
सदन के अंदर नहीं कहती है कि ये करेगी तब तक हम बाइकआउट करें। डिप्टी चेयरपर्सन के ऊपर रूल बुक फेंकी गई, रूल बुक को फाड़ा गया, और जैसा मैंने कल बताया, अगर मार्शल नहीं होते तो डिप्टी चेयरमैन के ऊपर शारीरिक चोट की भी पूरी संभावना थी और फिजिकल असॉल्ट। ये आप लोगों के पास पब्लिक डोमेन में है सारा कुछ, हम लोगों ने भी देखा है। दो चीज और ध्यान रखिए आप, 13 बार डिप्टी चेयरपर्सन ने कहा कि आप अपने सीट पर जाइए ताकि हमें आपका जो सेलेक्ट कमिटी को रेफर करने का रेजोल्यूशन है उसको वोटिंग कराना है, और आपको मालूम है कि अगर आपको वोट चाहिए तो आपको सीट पर जाना पड़ेगा। ये लोग सीट पर नहीं गए, 13 बार माननीय हरवंश जी ने आग्रह किया। ये बात हम स्पष्ट कहना चाहते हैं जो माननीय प्रहलाद जोशी जी ने आज राज्यसभा में कहा, वी हैड क्लियर मेजोरिटी। जिस सदन में मैं बैठता हूँ वहाँ के उपाध्यक्ष ने ये सब इस तरह की ट्रीटमेंट अपोजिशन के देने के बाद उन्होंने अन्न त्याग किया, तो इस बारे में उनके बारे में इनके ये तथाकथित गांधीगिरी के बारे में अपनी तीव्र वेदना ये स्पष्ट करने के लिए मैं इसमें शामिल हूँ। आगो को रही अन्य खबर, वर्तमान समय हो एक ब्रेक र। एमिति भी जाए जीवन, गुपचुप खाइबा सुंदरगढ़ जड़े महिलांको पई काळ होईछि, गुपचुप तंटीरे लागी जाईछि महिलांको जीवन चली जाईछि। घटना घटीछि सुंदरगढ़ सरबगड़ गाँव, मृत महिला हेले गाँव कृषक किसानको स्त्री फूलमती, स्वामी और दुई पिलांको नै फूलमतीको परिवार आज काम सारी घरको फेरिबा परे बड़ पुआ हातले गुपचुप मगाइथिले फूलमती। परिवारर समस्त मिसी गुपचुप खाइबा बेले फूलमतीको तंटीरे अटकी जाईथिला गुपचुप, से तले पड़ी जाते डाक्तरखाना निया जाते भी सेठारे डाक्तर तंको मृत घोषणा करते गुपचुप नले आया आउ खाले तांका घर चारि मैसा काम लोग छुट्टी होकर घर के गली बोले मोर मागिना कहला जी बजार हाट तो नहीं जीवा बोले गुपचुप टी आनता हेल्ले खाएता भूख है आटा पैसा देली बोले हमारे बाबू छा संगे गलें आ घिनी करी घर के आनलें घर में समस्ते खाइल खाला बोले हेटा सब्जी देला बोले हेटे लगे चक्कर मारल बजे हल्ला पड़ गल। जगतपुर सद्गुरु हस्पिटाल अग्निकाण्ड परे अग्निशम विभाग पसिला चेता, सकाळ सकाळ विभिन्न कोविड हस्पिटाल अग्नि निरापत्ता जांच सह आरंभ होइछि मॉकड्रिल। राजधानी सम कोविड हस्पिटाल अग्निशम विभाग पक्षरु अग्नि निरापत्ता जांच सेवा सह मॉकड्रिल करा जायछि। निया लागिले किपरि हस्पिटाल कर्मचारी निया को आयत करिबे से नै अग्निशम विभाग कर्मचारी प्रशिक्षण देथिले। एहा परे राजधानी अन्य कोविड हस्पिटाल अग्नि निरापत्ता जांच करा जिवो। अग्निशम विभाग एक टीम कटक रे रही समस्त कोविड हस्पिटाल अग्नि निरापत्ता व्यवस्था को जांच करिछन्ते। अग्निकाण्ड घटिले हस्पिटाल फायर सेफ्टी डिवाइस गुड़िक किपरि ठीक भाबे व्यवहार करिपारिबे ओ किपरि एहार मुकाबिला करिबे से नै मॉकड्रिल करा जायथिला। प्रथमे कटक रो अश्विनी कोविड हस्पिटाल परे एसीबी रो आइसोलेशन विभाग आगरे एही मॉकड्रिल करा जायथिला। अग्निशम विभाग कर्मचारी माने आज पीपीई किट परिधान करी कोविड हस्पिटाल गस्त करी अलर्ट मध्य करिछन्ती। सेपटे आज अग्निशम विभाग एक टीम सद्गुरु हस्पिटाल गस्त करी तदंत प्रक्रिया आरंभ करिछन्ती। हमरो इवैक्यूएशन केमति निश्चित इवैक्यूएशन केमति करा हबो मानत जेंति हमरो इवैक्यूएशन प्रोसेस अछि ओडे प्रथमे छोट छुआ तापरे वृद्ध जावा जो मानकर हार्ट प्रॉब्लम थिबो ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଇଭାଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଇଜିଲି ଆଣିକି ଆମେ ଆସେମ୍ବଲି କୋର୍ଟ ରଖିବୁ ଓ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆକ୍ଟରେ ସେ ଆକର୍ଡିଂଲି ସେ ତାଙ୍କ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଯିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପ୍ରୋସେସ୍ ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଫାୟାର୍ ଫାଇଟିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଛି ଧରନ୍ତୁ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କ୍ଲର୍ ଅଛି ଏକ୍ସଟିଙ୍ଗୁଇସର୍ ଅଛି ଡିଟେକ୍ଟର୍ ବି ଅଛି ସେଇଟା ପ୍ରପର୍ ତାଙ୍କ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କାମ ସେଇମାନେ ହିଁ କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଉପସ୍ଥିତିରେ। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଆମର ମୋଟୋ ଥିଲା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଓ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟରର ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିଛି ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା।
ସହରର ଆଇଟିଏଚ୍ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ କୋଭିଡ୍ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର ଓ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମେଡିକାଲ କଲେଜ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟରରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ବିପତ୍ତି ବେଳେ ରୋଗୀଙ୍କୁ କିଭଳି ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ ସେ ନେଇ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ପୁରୀ ସମେତ କୋଣାର୍କ, ନିମାପଡ଼ା, ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ ଥିବା କୋଭିଡ୍ କେୟାରରେ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ କରାଯାଇଛି। କଟକର ସଦ୍ଗୁରୁ ହସ୍ପିଟାଲ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟରରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ଘଟିଲା ତାହାକୁ ନେଇକି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କିଭଳି ଭାବେ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲ ବା କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ସେ ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଛି କି କିଭଳି ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ ସେ ନେଇ। ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ଆଜିଠାରୁ ଅଗ୍ନି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ରଖାଯାଇଛି, ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ରହିଛି ସେ ନେଇ ଆଜିଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ମେଡିକାଲରେ ତାହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଆମ ସହିତ ଡେପୁଟି ଫାୟାର ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଯିବା। ସାର୍, ଯେଭଳି ଭାବରେ କଟକରେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ତାକୁ ନଜର ରଖି ପୁରୀରେ ଆଜି କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି, କିଭଳି ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ଉପରେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯାଇଛି? ଆଜି କେବଳ କରାହେଇନି, ଏଇଟା ଆମର ରୁଟିନ୍ ୱାର୍କ ହିସାବରେ ଆମେ କିଛି କିଛି ବ୍ୟବଧାନରେ ସେସବୁ ଚେକ୍ କରୁଛୁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ରହୁଛନ୍ତି 24/7 ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବି କିଛି କିଛି ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛୁ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ଟ୍ରେନିଂ କରିବା ପାଇଁ। ସାର୍, ଯେମିତି କହିବାକି କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ, କାରଣ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଠି ରହିଛି ସେଠି ଯେଭଳି ଭାବରେ ହେଲେ କେମିତି ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବେ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ 5-6 ମହଲା ଅଛି କେମିତି ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବେ, କ'ଣ କ'ଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି? ନାଇଁ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଯାହା ଏଇଠି ସବୁ କରାହେଇଛି ପ୍ରାୟତଃ ଯେଉଁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଠି କରାହେଇଛି, ଯେଉଁ ICU ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେଇଟା ଆମର ପୁରୀରେ କରାହେଇଛି, ଯେଉଁଠିକି ସେ ପେସେଣ୍ଟମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆମେ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲେ ସେଠିକାର ଷ୍ଟାଫ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ଇଏ କରୁଛୁ ଯେ କରେଣ୍ଟଟା ପ୍ରଥମେ କାଟିବା ପାଇଁ ମେନ୍ ସୁଇଚ୍ରୁ କାଟିଲା ପରେ ଫାଷ୍ଟ ସେଇ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବାହାରକୁ ଆମେ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକ ଡିମାର୍କ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଏରିଆ ଡିମାର୍କେସନ୍ କରେଇଦେଇଛୁ, ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ସେମାନେ ସେଇ ପେସେଣ୍ଟମାନେ ନେଇଆସିବ। ଅନୁପ୍ରସାଦ, ଦେଖିବା ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲମାନଙ୍କରେ ତ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟର କରାହେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତା'ର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କଲେଜମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି କରାହେଉଛି ସେଠି ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କେମିତି ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରିବ? ସେଇଟାକୁ ଲାଗୁ ଆମେ ଯେଉଁ କଲେଜମାନଙ୍କରେ କରାଯାଇଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନେଇକରି ପ୍ରଶାସନ ସରକାର କରିଛନ୍ତି, ସେଠି ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ଜିନିଷକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛୁ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫାୟାର ଏକ୍ସଟିଙ୍ଗୁଇସର କିଛିଟା ଆବଶ୍ୟକ ମୋତେ ସେଠି ରଖିବେ, ଯଦି କିଛି ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ବା ଭଲ ମନ୍ଦ ସେଭଳି ରହିଲା ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ହଠାତ୍ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଫାୟାର ବକେଟ୍ ବି ରଖାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ପାଣି ରଖାହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ୟାଣ୍ଡ ରଖାଯାଉଛି। ଏ 3 ଜିନିଷ ସେମାନେ ରଖିବେ ଆଉ ତାକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସେନ୍ସିଟାଇଜ୍ କରୁଛୁ। ଓକେ, ଆମ ସହିତ ଡେପୁଟି ଫାୟାର ଅଫିସର ଥିଲେ ଯିଏକି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କଥା କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଆଜିଠାରୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁରୀ ସହର ସମେତ ପୁରୀର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ହେଇଛି ତା'ର ମଧ୍ୟ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୁରୀ ଫାୟାର ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସକ୍ଷମ ଅଛି। ଯଦି କୌଣସି କିଛି ଘଟଣା ସେମିତି ଘଟିଲା ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମେଡିକାଲମାନଙ୍କରେ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ତୁରନ୍ତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଇଭାକୁଏସନ୍ରେ କିଭଳି ଭାବେ ସହାୟତା କରିପାରିବେ। କଟକ ଜଗତପୁର ସ୍ଥିତ ସଦ୍ଗୁରୁ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ରାଉରକେଲା ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି ସମାନ ସ୍ଥିତି। ସହରର ଗୋଟିଏ କି 2 ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଗ୍ନିଶମ ସୁରକ୍ଷା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାରମ୍ବାର ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇନି। ରାଉରକେଲାର ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଞ୍ଚ। କଟକରେ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ସାରା ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆଉ କୋଭିଡ୍ ଚିକିତ୍ସିତ ରୋଗୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯେଉଁଠି ବି କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି ସେ ସମସ୍ତେ ଏକ ପ୍ରକାର ଆତଙ୍କିତ। ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ ବିପୁଟି କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ, କ'ଣ ରହିଛି ଅଗ୍ନିଶମ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠାରେ କେମିତି କିଭଳି ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଅଗ୍ନିଶମ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, କେମିତି ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଅଛି ଏଠି ଅଗ୍ନିଶମ ସୁରକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେ ଆମ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି ବିପିୟୁଡ଼ରେ, ଏଠି ଆମର ସବୁ ଫାୟାର ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ସବୁ ଲାଗିଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଫାୟାର ଫାଇଟିଂ ଯେଉଁ ଆମର ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ଅଛି, ହାଇଡ୍ରେନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଉ ଆମର ହୋଷ୍ଟେଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ସେଇଟା କିଛି ମାତ୍ରାରେ କାମ କରୁଛି, କିଛି କାମ କରୁନି ଠିକ୍ଠାକ୍। ଆଉ ବାକି ସବୁ ଦେଖିଲୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଫ୍, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏକ୍ସଟେନ୍ସର ଆଉ ଫାୟାର ଫାଇଟିଂ ଯେଉଁ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଚଲାଇବାର ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇକି ଫେରୁଛୁ। ରାଉରକେଲାରେ ସାର୍ କେତେଟା କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଅଗ୍ନିଶମ ସୁରକ୍ଷା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି? ଆମର ଏଇଠି ତ 2 ଅଛି, ହାଇଟେକ୍ ଆଉ ବିପିୟୁଟି ଯେଉଁ ଅଛି, 2 ଆମର କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଉ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କାହାକୁ ବି ଦିଆଯାଏନି। ଯାହା ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଡାକ୍ତରଖାନା ସହିତ ଜଡ଼ିତ, କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ?
देख जेहतु सर्टिफिकेट ना आर से भावन किसी जो सर्टफल थी जो सर्टिफिकेट दिखाई आप्लाई से करना आ बाकी रहा आम सुरक्षा कथा तो जिते पार से फायर एक्सटेंसर जहाँ अच्छी तारीपर ही बर्तमान चली सब सुरक्षा तेज जो जांच प्रक्रिया रही है जांच प्रक्रिया अब आरंभ हो जांच प्रक्रिया अग्निशम विभाग तरफ प्रशासन को राज्य सरकार को सबमिट करापर कौन कार्यानुष्ठान ग्रहण होगामी पदक्षेप रहा सरकार निष्पत्ति ने राउरकेला अमीय रंजन परिडा न्यूज 18 ओडिया। राजधानी में नाबालिका को गण दुष्कर्म मामलें ओटीपी एमटी जगी मंगत वर्णा को पुणि थे समन डीसीपी मध्यम जारी हो समन पुलिस मध्यम समन जारी कर महिला कमिशन अक्टोबर 1 तारीख दिन 11 हाजर होगा ओटीपी एमटी को समन कर पूर्व जारी होता समन अनुसार गत काली महिला कमिशन जाते जगी मंगत वर्णा हेले व्यक्तिगत कारण दर्शाई से शुणी समय उपस्थित नथिले तेणु डीसीपी मध्यम पुणि थे समन पठा जाइथिबा जनापड़ी सेपटे गणदुष्कर्म नहीं डीसीपी को महिला कमिशन को रिपोर्ट मागिबा प्रसंग में प्रतिक्रिया रखिंट कमिशन अध्यक्ष मीनती बेहरा से कहते जे विभिन्न दिगकु नहीं मामलार तदंत चली तेणु विलंब होउथिबारु समय मागिछि पुलिस रिपोर्ट दाखल पई पुलिस 3 सप्ताह समय मागिछि। जो दिन डेट दि जाए कोर्ट सिस्टम केतो डेट पड़ो जी फास्ट आस हाजिरा दे थे सिरेल करा जाए आमर गोटे डेट्रे 20-25 केस पड़ू तेणु जी फास्ट आस हाजिरा देवे सिरेलाइज चल कि उभय पक्ष उपस्थित थे कि शुणी समय अपर पक्ष रही नईटा आम डीसीपी मध्यम समन जारी करीसीपी ड्यूटी हूँ सीटी से समन देवे केमी आसवे व्यवस्था करेंगे। राज्य में 4000 तलकु खसुनी कोरोना आक्रांतों संख्या खोर्धा जिले में भी कोरोना ग्राफ ऊर्ध्वगामी राज्य में आज 4199 कोरोना आक्रांत चिन्हट होती क्वारेटाइन 2453 लोकाल केस 1736 आक्रांत चिन्हट होती खोर्धा जिलूर सर्वाधिक 712 आक्रांत कटकु 586 पुरी 265 सुंदरगढ़ 201 केन्द्रापड़ 126 आक्रांत चिन्हट होती सेहिपरि जगतसिंहपुर 104 जाजपुर 187 बालेश्वर 150 अनुगुल 107 बलांगीर 114 कलाहांडी 105 मयूरभंज 174 संबलपुर 113 आक्रांत चिन्हट होती मिसाई राज्य में मोट आक्रांतों संख्या 188,311 पहुंची 38,158 आक्रांत विभिन्न डाक्तरखाना चिकित्सित होती। आज कोरोन प्राण हर 11 जन यहां मिसाई राज्य में कोरोना जनित मृत्यु संख्या 721 पहुंची बालेश्वर 2 भद्रक 1 बलांगीर 2 गंजाम 2 खोर्धार जड़े मलकानगि 2 और पुरी जड़ मृत्यु हो उपनिर्वाचन बीजेडी सजबाज बालेश्वर में बीजेडी माराथन मीटिंग वरिष्ठ नेता विधायक और टिकेट आशायी सहित चली रुद्ध द्वार बैठक जिला पर्यवेक्षक प्रताप जेना अध्यक्षतार बालेश्वर सर्किट हाउस रे बैठक चली मंत्री ज्योतिप्रकाश पाणीग्राही विधायक अश्विनी पात्र अनंत दास नित्यानंद दास परशुराम धड़ा सुधांशु परिडा प्रमुख उपस्थित अछन्ते सेहीपरि पूर्वतन सांसद तथा जिला सभापति रवींद्र जेना पूर्वतन विधायक जीवन प्रदीप दास उपस्थित अछन्ते बैठक को नहीं जिला पर्यवेक्षक प्रताप जेना कहते जिलार समस्त विधायक और अन्य नेतांक सह आलोचना करा जाउछि तेबे प्रार्थी चयन नहीं दलर सुप्रीमो नवीन पटनायक चूड़ांत निष्पत्ति नेबे। बालेश्वर जिलार समस्त एमएलए आउ डिफिटेड एमएलए समस्त सहित आलोचना करिवार व्यवस्था रखिछु समस्त सहित आलोचना करके निर्यास पहुंचिकी पुणी उपनिर्वाचन आमे केमती निर्वाचन लड़ू ताप गोटे खसड़ा प्रस्तुत कर बर्तमान सुधा कहीं प्रार्थी निष्पत्ति मान्यवर मुख्यमंत्री श्रीजुक्त नवीन पटनायक किए प्रार्थी हम ताकू नहीं कि निष्पत्ति ग्रहण करेंगे आगू को रही कि खबर वर्तमान समय हो।